हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज डेट है 24 दिसंबर 2021 और भाई अभी बज रहे हैं सुबह के 9। तो अपना एज यूजुअल कॉलेज का टाइम हो गया है, मन का थोड़ा बहुत ब्लॉग करते हैं फिर चलते हैं। और भाई मैं बताऊं तो आज का मेरा जो प्लान था वो यह था भाई, सुबह मस्त 5 बजे उठना था और जो गाँव में जो प्रॉपर चीजें होती है वो सारी दिखाना था। मैं सुबह भाई नींद खुली नहीं और अपना कुंभकर्ण की तरह 8 बजे तक सोते रहे। तो ये जो भी चीजें हैं भाई मैं कल सुबह से आपको दिखाऊंगा और इसी ब्लॉग में आप लोगों को ये देखने को मिलेगी। तो ब्लॉग पूरा जरूर देखना और अभी चलते हैं भाई, फिलहाल खाना वाना खाते हैं और उसके बाद में अपन कॉलेज के लिए चल देंगे। पराठे हैं, अचार है और ये मालपुए। और यार जिस दिन मतलब कॉलेज होती है उस दिन तो कुछ ब्लॉग कर नहीं पाते क्योंकि 9 से 10 बजे से 4 बजे तक पूरी कॉलेज लगती, तो पूरा दिन उधर ही चला जाता। तो थोड़ा बहुत जो भी है ब्लॉग कर लेता हूँ। पर कल से जो है भाई 25 तारीख है, क्रिसमस है, तो कल से छुट्टियां लगने वाली है। तो कल से मैं प्रॉपर ब्लॉग करूंगा और मैं कोशिश करूंगा यार, मतलब जो मैं आज ब्लॉग बना रहा हूँ तो ये कल शाम तक मैं जरूर पूरा डाल दूंगा। तो देखेंगे जो भी होगा। तो भाई अब निकलते हैं फटाफट से और ये रहे अपने जूते। आज ट्राई करूंगा वो ऐसी एडिट करके ऐसी वीडियो बनाने का। तो भाई अभी कॉलेज तो पहुंच गए हैं और ये खड़ी अपनी बाइक और फिर मिलता हूँ छुट्टी के बाद में, बाय। तो जी अभी शाम के 4 बज चुके हैं और हमारी जो है कॉलेज की छुट्टी हो गई है। तो चलते हैं फटाफट से और मार्केट से थोड़ा वो जो भी सामान बोला था वो सामान लेके फिर चलते हैं। और भाई बहुत भूख लग रही है तो कुछ खा भी लेंगे। चलो बड़ी वाली कार्ड शीट दे दो यार। शीट कौन सा कलर में? वाइट दे दो। दो दो तो जी कचौड़ी खाते हैं उसके बाद चलते हैं। तो अभी भाई घर पे तो पहुंच गए हैं और एज यूजुअल अभी माही को लेके आते हैं और फिर हमारा कहीं जाने का प्लान है तो आप लोगों को जरूर बताऊंगा। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, दिस इज द नेक्स्ट डे। तो भाई आज मस्त अपन जा रहे हैं थोड़ा घूमने के लिए सुबह सुबह वही अपना कार देके। और यार आज है 25 दिसंबर, मतलब आज है क्रिसमस डे। तो आप सभी को क्रिसमस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मतलब मेरी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस। और मस्त अपना कार भाई यहाँ लेके आए थे तो यहाँ से घुमाते हैं, ऐसी चलाने के लिए ले आया था मैं सुबह सुबह। और अब चलते हैं वापस। और भाई मैंने कहा था कि आप लोगों को मैं प्रॉपर जो है वो दिखाऊंगा कि गांव में क्या होता है क्या नहीं, तो वो आज तो दिखा नहीं पाएंगे। अब मैं किसी और व्लॉग में आप लोगों को बताऊंगा जरूर। अभी चलते हैं भाई, आज से जो है क्रिसमस की छुट्टियां लग रही है तो सभी अपने अपने घूमने के लिए जाते हैं और अपन भी जाएंगे। और गांव वाले भाई अपन मतलब आप शुरू से ही छुट्टियों में कहीं जाते नहीं, बस अपनी छुट्टियां मामा के यहाँ खत्म होती है तो वही जा रहे हैं आज। और ज्यादा कुछ व्लॉग कर नहीं पाऊंगा यार मैं, थोड़ा बहुत जो भी व्लॉग है वो कर लेंगे और आप लोगों को बता दूंगा। और ये सामने का नजर व्यू दिखा देता हूँ। और वैसे मैं कार से नहीं जा रहा, मैं जाऊंगा बाइक से। कार से मम्मी वगैरह जाएंगे और मुझे बाइक लेके जानी है क्योंकि वापस भी आना है, वहां से कार वहीं छोड़ के आनी है तो चलेंगे अपन। तो भाई ये है अपनी बाइक रेडी और चलते हैं अब। वैसे आधे रास्ते में रुक के व्लॉग कर रहा हूँ और यार अभी मतलब यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, 15 से 20 किलोमीटर है तो आराम से चल लेंगे। और यार वहां पे तो ज्यादा व्लॉग करना पॉसिबल नहीं होगा, थोड़ा बहुत जो भी है व्लॉग कर लेंगे और थोड़ा बहुत जो भी है दिखा दूंगा मैं आप लोगों को। बाकी ये व्लॉग भी कब आएगा पता नहीं, पर एडिट वगैरह करके मैं, आज तो नहीं आएगा भाई पर कल या परसों में जब भी आ जाएगा डाल दूंगा। और वहाँ नेटवर्क की भी बड़ी प्रॉब्लम रहती है यार, तो चलते हैं। और वैसे मैं 2 या 3 दिन में वापस भी आ जाऊंगा क्योंकि भाई अपनी कॉलेज की जो है छुट्टी नहीं दी यार। हमने कॉलेज वाले से पूछा उनका छुट्टी कितने दिन की है, तो बोले 2 दिन की है ना, सैटरडे संडे। तो मन का वो तो वैसे भी रहती है, तो यार मतलब क्रिसमस की भी छुट्टी नहीं दी और सभी लोगों की छुट्टियां लगी है, पर क्या करूं अब जो भी है देखेंगे। और वापस आना पड़ेगा भाई मंडे को, तो कॉलेज छुट्टी मार देंगे और मंडे को मैं आ जाऊंगा। वैसे अभी चलते हैं और हेलमेट लगा लेता है यार, मैं आज फर्स्ट टाइम ना अपना हेलमेट भी मैं फर्स्ट टाइम ही लगा रहा हूँ। तो यार बड़ा अजीब सा लग रहा है फर्स्ट टाइम हेलमेट लगा के अभी, और ये ढीला ढीला सा भी है यार। थोड़ा सेट करते हैं और उसके बाद में फिर निकलते हैं। चलो जी चले अपन, ये करते हैं अपनी बाइक को स्टार्ट। तो भाई ऑलमोस्ट पहुंचने ही वाले, और यहाँ पे रुक गया था।
काफी ठंड है अंदर, पूरी मतलब ठंड लग रही है। उनको थोड़ी देर धूप में खड़ते हैं, फिर चलेंगे और आगे। बस थोड़ी सी दूर और बचा यार। ये बाइक है पैशन प्रो 125 सीसी है शायद, क्या चलती है, मस्त मजा आ गया यार, पता ही नहीं चला। मतलब कंफर्ट भाई, सीट भी इतनी सही है, मजा से आ गया एकदम चलाते हुए। तो भाई अब निकलते हैं, थोड़ा ठीक लग रहा है और अब चलते हैं और सीधा वही मिलता हूँ आपको। हे गाइस गुड मॉर्निंग, आज है थर्ड डे और भाई फिलहाल मैं हूँ अपने मामा के यहाँ। कल आ गया था मैं मतलब सुबह 10 या 11 बजे, तो भाई आके कुछ भी ब्लॉग कर ही नहीं पाया। और अभी आज जो है ब्लॉग स्टार्ट किया है, तो अब देखेंगे 2-3 दिन का ब्लॉग जो है पूरा एक साथ डाल दूंगा मैं। और अभी मस्त है ऊपर आके ब्लॉग कर रहा हूँ, क्योंकि नीचे तो यार पूरी बच्चा पार्टी है तो बहुत ज्यादा शोर कर रही है, इसलिए ऊपर आ गया था। यहाँ से मस्त देखो व्यू, इधर पूरे खेती खेत है और इधर पूरे घर ही घर है, और मस्त ऊपर धूप सेक रहे हैं यहाँ पे यार। थोड़ी देर धूप में खड़ते हैं क्योंकि सुबह सुबह बहुत ठंड लगती है। एक तो के ऊपर ही चूल्हा बना रखा और इधर भी टीन के ऊपर सारी सब्जियां पूरी टीन के ऊपर लगा रखी है, तो सही है। वैसे गांव में तो यही सारी चीजें होती है, कहीं भी चले जाओ आप। अब नीचे चलते हैं और पूरी आज आपको ना मैं अपने बच्चा पार्टी से मिलाता हूँ, मतलब मेरी मौसी के बच्चे भी यहाँ पे आए हुए हैं तो उनसे भी मिलाऊंगा आप लोगों को। तो भाई ये है अपने मामा का घर मस्त, और यहाँ पे सारी कच्चर पार्टी बैठी है, ये इसको तो आप जानते ही हो माही। और क्या नाम है तेरा? सानू। ये है मेरी मौसी की लड़की, ये है मामा का लड़का है, ये मौसी का लड़का है। तेरा नाम क्या है? अरे साले। तो अभी सुबह के 10 बज रहे हैं और भाई वही अपना मस्त धूप में आ गया ऊपर, खाना वाना खा लिया है सारा, और मस्त भाई ठंड में तो पूरे टाइम बस धूप सेकते रहो, मस्त लगता है एकदम। बाय द वे आज मैंने ये देखो ये स्वेटशर्ट डाला है, तो कमेंट में जरूर बताना कैसा लग रहा। मुझे तो भाई सही लग रहा है, नहीं तो वो लेके आएंगे अपन। वैसे मैं फिलहाल अभी जा रहा हूँ अपने छोटे नाना जी के यहाँ, मैं दिखाता हूँ कहाँ है यहीं से, वो देखो वो वाला घर, तो वहाँ चलते हैं अभी और उधर ही थोड़ी देर टाइम पास करेंगे, और ये सब भी साथ में चलेंगे अपने। चल रहा है ना? कौन कौन? तो जी अभी पहुंच चुके अपने छोटे नाना जी के यहाँ पे। एक्चुअली हमारे नाना जी है, चार भाई है, तो सबसे छोटे नाना जी का जो घर है वो ये वाला है। तो यहाँ पे काफी सारे ये देखो आउटडोर प्लांट्स यहाँ पे लगा रखे हैं, और इधर भी जो है प्लांट लगा रखे, उधर उनके सारे व्हीकल वगैरह कार वगैरह खड़ी है। तो शाम को कार भी लेके चलेंगे अपन, अपने कंटेंट मिल जाएगा। तो मैं नेक्स्ट व्लॉग में जो है प्रॉपर हाउस टूर आप लोगों को देने वाला हूँ, तो नेक्स्ट व्लॉग जरूर देखना। और इस व्लॉग को भाई यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि यार फिर जो व्लॉग है काफ़ी बड़ा बन जाएगा, तो 7-8 मिनट का व्लॉग जो है काफ़ी सही है। तो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, आई होप आप लोग पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।